हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको डिग्री अटेस्टेशन के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है या कोई भी सर्टिफिकेट किया है और आप इधर दुबई में आना चाहते हो या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो जॉब करने के लिए कि वाइट कॉलर जॉब आपको मिल जाए, आपकी डिग्री के बेसिस पे जॉब मिल जाए, तो डिग्री अटेस्टेशन कहाँ से करवाना है और क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। और कैसे करवाएंगे, कितना रुपया लगेगा, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो डिग्री अटेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल कंपनी किसी इंटरनेशनल जाना चाहते हो, जैसे गल्फ में जाना चाहते हो, यूरोप में जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, तो वहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन आपका ज़रूरी है। डिग्री अटेस्टेशन का मतलब क्या हो, आपकी कंट्री से वेरीफाई होगा, यूए एम्बेसी जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ से भी वेरीफाई होगा, उसकी एम्बेसी होती है हमारी कंट्री में, तो वहाँ से भी वेरीफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। अपने मुल्क से करवाएं या यहाँ पे आके करवाएं, सबसे पहली बात, अगर आपके पास पैसा है, अभी है, अगर आप आना चाहते हो आने वाले कल में, अगर आपके पास पैसा है तो करवा के रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसकी क्यों करवा के रख ले ये भी बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले कहाँ से करवाएंगे, किसी भी डिग्री अटेस्टेशन सर्विस पे दे देंगे, 9,000 से 10,000 रुपये लेगा, वो करके दे देगा। अब आप सोचोगे कि मैं खुद करवा लूँ, अगर मेरे पास टाइम है, मेरे पास पैसा है, मैं जाके करवा सकता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का जो आपका यूनिवर्सिटी हो, वैसे जैसे एफिलेटेड यूनिवर्सिटी जिससे अटैच होता है ना, वहाँ से होगा, कॉलेज से नहीं होगा। जैसे आपका कोई कॉलेज, अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से हो जाएगा, लेकिन आप किसी कॉलेज में स्टडी किए हैं, किसी से एफिलेटेड था, तो जो यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से जाके आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। 100-200 रुपये वहाँ पे लगते हैं, अब आप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 100 रुपये लग जाते हैं। अगर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है तो अलग लग सकता है, ठीक है। वहाँ पे 100-200-300-500 रुपये लग सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का लगेगा, तहसील पे जाएंगे नोटरी का लगेगा, फिर दिल्ली या मुंबई में होता है तो दिल्ली और मुंबई में जाके वहाँ पे भी जाके आपको मोफा जिसे बोलते हैं वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और यूई एम्बेसी जो इंडिया के अंदर होती है, जैसे किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, मैं यूए के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एम्बेसी का भी स्टैंप लगेगा, उसकी फीस 3,000 से 3,500 रुपये कम से कम होती है, 3,000 से 3,500 वो हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में जाएंगे 500 रुपये वो हो जाएंगे, फिर नोटरी लगवाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, ऐसा तो है नहीं उड़ के चले जाएंगे, तेल लगेगा, पानी लगेगा, किराया लगेगा। फिर दिल्ली, ऐसा तो है नहीं कि सबके सब दिल्ली में ही रहते हो, कोई यूपी में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई कहीं रहता है, ठीक है। वहाँ से आप जाएंगे, किराया लगेगा, अब किराया सोच लीजिए, फिर 4,000 से 5,000 रुपये तो आपका नॉर्मल फीस लग जाएगी वो, ठीक। किराया लग जाएगा 6,000-7,000 रुपये आपकी, ये बन जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप गए और तुरंत हो गए, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर दिल्ली में जाएंगे और मोफा में वेरिफिकेशन कराएंगे वहाँ पे, तो आपको सुबह सुबह लाइन लगाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक। तो 5,000-7,000 रुपये ऐसे नॉर्मल आपके लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी डिग्री अटेस्टेशन सर्विस को दे देंगे, 2,000 रुपये ज़्यादा लगेंगे, 9,000 मिनिमम लगते हैं, ठीक है। 9,000 रुपये तक लगेंगे, 9 से 10 के ऊपर जाएगा नहीं, 9,000 कहीं कहीं लेते, कहीं 10 ले लेते, कहीं 8.5 ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ से उसके एरिए से दिल्ली कितना दूर है, ठीक है। वो अपना चार्ज ले लेता है, लेकिन 10 से ऊपर कोई नहीं लेगा, तो वहाँ पे इतना रुपया लगेगा। आप दे दोगे इजिली करके 10 दिन के अंदर आपके आ जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे वर्किंग डेज के, मतलब 10 दिन वर्किंग डे जो होंगे उसमें आपकी डिग्री आपके पास आ जाएगी, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस अगर चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी से खुद करवा लीजिएगा, उसमें 100-200-500 रुपये लग सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी कराएंगे उस टाइम तो चलेगा, लेकिन जब एम्बेसी का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि आप ये भी सोच रहे हैं कि दुबई में आके करा लें, ठीक, दुबई में भी आके करा सकते हैं, लेकिन दुबई में 3,000 रुपये फीस ज़्यादा लगती, मेरा जो लगा था वहाँ 9,000 मांग रहा था, यहाँ पे 12,000-12,500 मेरे लगे थे यहाँ दुबई में, ठीक है। 12,000-12,500 से ज़्यादा यहाँ नहीं लगेंगे, मतलब 600 दिरहम के आसपास लगते हैं। यहाँ भी आके करा सकते हैं, वहाँ भी जैसे यहाँ पे, इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप आओ जॉब ढूंढो, अगर आपको वाइट कॉलर जॉब मिल गई तो फिर इशू बनता है, वो डिग्री अटेस्ट मांगते हैं। आप अगर डिग्री अटेस्टेशन डिग्री नहीं दोगे अपनी तो भी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ जॉब नहीं मिलेगी, जॉब आपकी लगा दे, लेकिन आपका वीज़ा ख़राब लगेगा, वीज़ा स्टेटस जो होता है यहाँ पे पूरा खेल वीज़ा स्टेटस का होता है। अगर आपका वीज़ा स्टेटस ख़राब है, आप इंजीनियर की नौकरी कर रहे हो, आपका सुपरवाइज़र का वीज़ा लगा, तो आप सुपरवाइज़र ही आगे कहलाओगे, इंजीनियर नहीं कहलाओगे, ठीक है। आप किसी भी, आप कतर चले गए, आप कुवैत चले गए यहाँ से, तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक करेगा, पासपोर्ट पे आपका सुपरवाइज़र लिखा है, फोरमैन लिखा, तो वो फोरमैन सुपरवाइज़र ही समझेगा, उसके बेसिस पे आपकी आगे सैलरी लगेगी, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियर, मतलब इंजीनियर का एग्जाम्पल दे रहा, अकाउंटेंट के हिसाब से रहेंगे, तो उस चीज़ का वीज़ा अगर आपका लगेगा तो आपको उसके हिसाब से वहाँ की जो सैलरी होगी उससे कम से कम उससे ज़्यादा ही देगा, ठीक है। मतलब सुपरवाइज़र साहब वहाँ इंजीनियर बन गए, लेकिन सैलरी आपकी स्टार्टिंग से इंजीनियर की जो रहती है वो लगेगी, इसलिए वीज़ा स्टेटस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा बनता है। मैं अपने साथ बताना चाहूँगा, मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया था,
ऑफर लेटर मिलने के बाद उन्होंने बोला डिग्री आपकी अटेस्टेड है, मैंने कहा डिग्री नहीं अटेस्टेड है, तो उन्होंने डिग्री मांगा कि मतलब सबमिट कब तक करेंगे आप अटेस्ट करवा के, तो मैंने उनसे 15 से 20 दिन का टाइम मांगा, ठीक है। डिग्री मैंने दिया उनको, क्या बोलते पहले मैंने पता किया कहाँ पे अटेस्टेशन होती, तो मैंने पता किया अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं वो नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जो दुबई में जहाँ बुर्जमान के पास वो है मुसल्ला टावर है वहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन होती है 10 दिन के अंदर। उस टाइम कोविड चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम मेरी डिग्री मेरे पास आ गई थी, मतलब यहाँ भी लॉकडाउन, यहाँ तो खुला था लेकिन इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर भी मेरी डिग्री गई वहाँ से आ भी गई थी अटेस्टेड होके, ठीक है। यूनिवर्सिटी से मैंने खुद करवा लिया था, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा, अगर कमेंट करिएगा तो मैं नंबर ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा उसका जो अटेस्टेशन सर्विस था, या एड्रेस डाल दूंगा उसका, ठीक। तो क्या हुआ था कि जैसे कि मैं बात दिया, अब मेरे पास अटेस्टेड डिग्री नहीं थी, तो इससे मेरा ऑफर लेटर ज्वाइनिंग रुक गया, मेरा ज्वाइनिंग मेरा 20 से 25 दिन बाद हुआ ऑफर लेटर मिलने के बाद। काफ़ी मुझे डर लगा कहीं कोई मतलब कैंसिल ना कर दे या मना ना कर दे मुझे, काफ़ी मैंने दुआ की तब जाके जब मेरी डिग्री अटेस्ट हुई, तो मैंने जब सबमिट किया तो मेरी 2 से 2 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग कंपनी में हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर आप आ रहे हो इंशाल्लाह आपकी, या अल्लाह से दुआ करेंगे आपके लिए कि आपकी जॉब लग गई लेकिन आपकी डिग्री अटेस्टेशन नहीं रही, तो क्या पता वो विथआउट डिग्री वाले को रखना ही नहीं चाहे, किसी और को सर्च कर ले, ठीक है। आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है, आपको जॉब नहीं मिल सकती है, इसलिए अगर आपके पास बजट है तो आप डिग्री अटेस्ट करवा के ही आइए, ठीक है। और किसी भी टाइप का डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझसे कमेंट करिए, मैं कमेंट में रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। इंस्टा पे भी आप मैसेज करते हो, मैं देखता हूँ जिनको जेन्युइन होता है मैं उनको रिप्लाई ज़रूर दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन कमेंट करेंगे तो मैं सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ कि सभी को मैं रिप्लाई दूँ। और वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ भी बनाता हूँ और जो भी मुझे जहाँ से भी पता चलता है मैं उस चीज़ की वीडियो बनाता हूँ, और जो आप कमेंट करते हो मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि सारी वीडियोस बना के आप जल्दी से डिलीवर कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।